Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK. मेरा नाम है अपूर्वा भारती और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ राजस्थान प्री पीजी एग्जाम जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था। आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि आईसीआर जेआरएफ एग्जाम्स, एएसआरबी नेट एग्जाम्स, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम, स्टेट हॉर्टिकल्चर एग्जाम्स, एएचओ डीएचओ एग्जाम्स, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स, एफएसएसएआई रिलेटेड ऑल एग्जाम, एफसीआई एजीएम, एफसीआई एजी3, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम, आईबीपीएस एफओ एग्जाम, नाबार्ड एग्जाम, आरआरबी एग्रीकल्चर ऑफिसर, फिशरीज एग्जाम, फॉरेस्ट्री एग्जाम, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स, डीडीए, डीएसएसबीएसओ एंड मनी मोर एग्जाम्स। अगर आप ये सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सबका जो कोर्स है वो अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको मिलेंगे ई बुक्स जो कि नोट्स के फॉर्म में रहेंगे। इसमें आपको वीडियो सेशन दिया जाएगा, इसमें यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स दिए जाएंगे, इसमें क्वेश्चन बैंक रहेगा एमसीयू के फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा और इसके साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल है जो कि सिलेबस को पूरा कवर करेगा। इसमें आपको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे से आपको गाइड करेंगे और इजिली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारा गूगल प्ले स्टोर ऐप नहीं डाउनलोड किया था, आप वहाँ से एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को सर्च करके गूगल प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को। वहाँ पर आपको कोई भी इंडिया के सभी स्टेट से एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम्स के कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ऐप से कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल है। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड की किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे वो कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कोर्स की डिटेल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो है आपको पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा और आप टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल होंगे। चलिए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो था पूछा गया था इस एग्जाम में वो है द मेजर डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन इज। तो जो मेजर डिफरेंस है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन इसका पूछ रहा है कि क्या था मेजर डिफरेंस है गिवन ऑप्शन में से। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन फोर, ड्राइंग इज द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉलिड या सेमी सॉलिड लिक्विड वाइल डिहाइड्रेशन इज अ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर कंटेनिंग कंपाउंड। तो क्या बोल रहा है कि ड्राइंग मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग मॉइस्चर को रिमूव करते हैं कोई भी सॉलिड या सेमी सॉलिड या लिक्विड वाले फूड से। और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सन ड्राइंग मेनली जो है बहुत कॉमन मेथड है सन ड्राइंग, जो कि हम सन के आगे सन के अंदर जो है हम लोग यहाँ पे फूड को रख देते हैं, वहाँ पे जो वहाँ पे ड्राई प्रोसेस होता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि डिहाइड्रेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो वाटर को रिमूव करते हैं तो जहाँ पे वो वाटर कंटेनिंग कंपाउंड है। और मेनली डिहाइड्रेशन जो है एक तरह का क्या यहाँ पे हम मशीन के हेल्प से जो है मेनली डिहाइड्रेशन प्रोसेस करते हैं फूड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर जीरो, ऑप्शन टू हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो जो वाटर पोटेंशियल है तो वो जो होता है किसी भी प्योर वाटर का वो हमेशा जीरो होता है कोई भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पे। ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी जो प्रोसेस करता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वहाँ पे जो है वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो काफ़ी रैपिड होता है और वो कांस्टेंट होता है। और जो प्योर वाटर होता है उसके पास हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से वहाँ पे हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल देखने को मिलता है प्योर वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन ऑफ नॉन डिस्क्रिप्ट बफलोज द फॉलोइंग बफलो ब्रीड इज वाइडली यूज फॉर ब्रीडिंग। तो अगर हम लोग को मिल्क प्रोडक्शन अगर हम लोग इम्प्रूव करना है नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलोज में, तो हम लोग कौन सा बफेलो ब्रीड यूज़ करेंगे जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज होता है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, कौन सा बफेलो ब्रीड। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन थ्री, मुरहा। तो जो मुरहा है ये नेटिव प्लेस है इसका पंजाब दिल्ली रोहतक में, ये जो है बेस्ट रहता है मिल्क प्रोडक्शन में और इसका एवरेज फैट रहता है 7%। ये जेट ब्लैक कलर का रहता है बॉडी कोट और जो शॉर्ट टाइटली कर्ल्ड शेप में जो है हॉर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो स्किन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, स्मूथ रहता है और इसमें जो है काफ़ी कम मतलब स्कैंटी हेयर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, स्ट्रक्चर बॉटम हीट बॉक्स इज जनरली यूज फॉर। जो स्ट्रक्चर है मतलब बॉटम हीट बॉक्स उसको हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, कटिंग एंड रूटिंग। तो
तो जो बॉटम हीट बॉक्स है इसको हम लोग यूज़ करते हैं कटिंग एंड रूटिंग के लिए। तो ये होता क्या है बॉटम हीट बॉक्स, तो एक तरह का ये सिंपल बॉक्स है जो कि प्रमोट करता है रूटिंग। किसका रूटिंग, तो कोई भी कटिंग का जहाँ पे जो कि डिफिकल्ट रहता है जो कि डिफिकल्ट रहता है रूट फ्रूट्स में, जैसे कि मैंगो एंड गुआवा। ये कंसिस्ट करता है दो चैम्बर का जो कि बना हुआ रहता है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से। जो आउटर चैम्बर है उसका हाइट होता है 70 सेंटीमीटर विथ 46 सेंटीमीटर विथ, और जो इनर चैम्बर होता है उसका हाइट होता है 68 सेंटीमीटर एंड विथ रहता है 44 सेंटीमीटर। और जो स्पेस रहता है बिटवीन द टू चैम्बर, वो वहाँ पे जो वहाँ पे किस चीज़ से फिल कर देते हैं हम लोग, वहाँ पे ग्लास उल से जो हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं, सो दैट कि वहाँ पे हीट इंसुलेशन प्रोसेस हो। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ नंबर। इन एक्रिडी द टिम्पानम इज प्रेजेंट ऑन, तो जो इन एक्रिडी में जो है एक्रिडी में जो टिम्पानम ये जो है फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। द टोमेटो ट्रांसजेनिक वेराइटी फ्लेवर सेवर वॉज डेवलप यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। तो जो टोमेटो जो कि कैसे टोमेटो ट्रांसजेनिक वेराइटी का जो टोमेटो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लेवर सेवर, इसको हम लोग कैसे डेवलप किए थे, कौन से टेक्नोलॉजी से हम लोग डेवलप किए थे। तो यहाँ पे जो है एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है हम उसको डेवलप किए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। अब एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा अप्रोच था जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन को ये इनहिबिट कर देता है या फिर यहाँ पे डाउन रेगुलेशन ऑफ अ जीन होता है। तो इस टेक्नोलॉजी पर ये जो टेक्नोलॉजी है ये वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे, तो ये एंटी सेंस न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस पेयर पे जो है यहाँ पे काम करता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री रहता है सेंस आरएनए स्ट्रैंड, और ये प्रिवेंट करता है सॉरी कि ये जो है ट्रांसलेट नहीं हो और यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो। इसके वजह से जो इस टेक्नोलॉजी है हमने क्या बनाया था, ट्रांसजेनिक वेराइटी टोमेटो का, जिसको बोलते हैं फ्लेवर सेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेवन नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा तो सा कट गया, यहाँ पे था द प्रोजीनी ऑफ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट होमोजाइगस प्लांट इज नोन एज। तो जो प्रोजनी ऑप्टेन होता है जब हम लोग क्रॉस करते हैं बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट होमोजाइगस प्लांट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, F1 और हाइब्रिड। तो जो F1 या हाइब्रिड रहता है वो फर्स्ट फिलाइल जनरेशन रहता है किसी भी ऑफस्प्रिंग का, वो डिस्टिंक्टली डिफरेंट पैरेंटल टाइप्स रहते हैं। और जो F1 हाइब्रिड जो यूज होता है जेनेटिक्स में वो जो या फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग में, वहाँ जो टर्म F1 जो यूज करते हैं वो क्रॉस ब्रीड के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जो टर्म रहता है ये उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो F1 हाइब्रिड जो है यहाँ पे और यहाँ पे कैसे होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे पेरेंट वन है और यहाँ पे पेरेंट टू है, अगर हम लोग इसको क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे प्रोजीनी मिलेगी इसी को हम लोग बोलते हैं F1 हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल इरोजन कॉज बाय वाटर। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा इरोजन है जो कि वाटर से नहीं होता है, जो सॉइल इरोजन है जो कि वाटर से नहीं होता है। तो इरोजन मतलब क्या, जो अपर पोर्शन ऑफ दी सॉइल जो होता है वो अगर रिमूव हो जाता है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन। तो अगर सॉइल इरोजन कैसे होगा, अगर अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या हो रहा है कि अगर वहाँ पे इरोजन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सॉइल इरोजन हो रहा है वो वाटर के वजह से हो रहा है। मतलब कि वाटर यहाँ पे जो है यहाँ पे मेन फैक्टर है जिसकी वजह से जो अपर पोर्शन है सॉइल का वो रिमूव हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये शीट इरोजन ये वाटर से होता है, जो शीट के लेयर में जो है मतलब शीट के फॉर्म में जो है यहाँ पे जो अपर पोर्शन होता है सॉइल का वो रिमूव होता है। रियल इरोजन ये भी वाटर से होता है। और जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप क्या होता है कि जब बारिश पड़ता है तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्प्लैश की वजह से जो है यहाँ पे छीटा की वजह से क्या होता है कि जो सॉइल है यहाँ पे ये अपर पोर्शन जो होता है सॉइल का वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे मेनली रेन ड्रॉप मतलब यहाँ पे स्प्लैश इरोजन आएगा। सैंड ड्यून्स, तो सैंड ड्यून्स जो है यहाँ पे वाटर इरोजन से नहीं होता है, तो आंसर वाटर की वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होता है सैंड ड्यून्स में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाइन नंबर। द टेक्सॉन सब क्लास एंड्स विद द सफिक्स। जो टेक्सॉन होते हैं सब क्लास वो किस सफिक्स से एंड करते हैं, तो यहाँ पे जो है माइसिटीज सब क्लास से एंड करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। वाटर यूज एफिशिएंसी इज, तो वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है, तो ये जो है रेशियो होता है इल्ड बाय इवेपोट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, इल्ड अपॉन इवेपोट्रांसपिरेशन। जो वाटर यूज एफिशिएंसी है इसको हम लोग रेफर करते हैं एज अ जो ये रेशियो रहता है जो कि वाटर यूज हुआ है इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद किसका रेशियो है, तो एक पहला तो क्या है मतलब रेशियो किसका किसका है, तो जो वाटर यूज होता है प्लांट मेटाबॉलिज्म में उसका अपॉन जो वाटर लॉस हो गया बाय द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन या इवेपोट्रांसपिरेशन। यहाँ पे जो है ये हो जाता है इसका रेशियो। तो और ये भी ऐसा भी हो सकते हैं कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी है इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन जो एसिमिलेट हुआ है एज अ बायोमास या फिर ग्रेन प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ द वाटर यूज बाय द क्रॉप, इसको भी ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
11 number, identify the parasitoid papaya mealybug, Paracoccus marginatus. तो पैरासिटॉइड जो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है किसका, पपाया मिली बग का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऑप्शन फोर. तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे एसिडोफैगस पपाए, एनाग्रायस लोएकी या फिर सूडो लेप्टोमैस्ट्रिक्स मैक्सिकाना, ये तीनों जो पैरासिटॉइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसमें, पपाया मिली बग को कंट्रोल करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर, अ प्री स्टोरेज और प्री शिपिंग शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट फॉर कट फ्लावर्स फॉर लॉन्ग स्टोरेज और डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड. अगर हम लोग जैसे जो कट फ्लावर्स है, अगर उसमें हम लोग प्री स्टोरेज कर रहे हैं, प्री शिपिंग कर रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट के लिए, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबा स्टोरेज कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन अगर लंबा कर रहे हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रोसेस करेंगे. तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन थ्री, पल्सिंग. तो जो प्री स्टोरी या प्री शिपिंग जो है, एक तरह का शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट होता है कट फ्लावर्स के लिए, और फॉर द लॉन्ग स्टोरेज लंबा दिन के लिए स्टोर करने के लिए, और जो डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, तो पल्सिंग. तो पल्सिंग एक तरह का क्या है, एक सप्लाइंग, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन को सप्लाई करते हैं थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीम. और जो टर्म पल्सिंग है इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्लावर्स है, वो जो रिलेटिवली शॉर्ट टाइम फ्रॉम अ फ्यू सेकेंड्स टू 10 आवर्स, उसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड में रख देते हैं, सो दैट इसका जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन भी बोलते हैं. और उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, वेटिंग या फिर एडिशन करते हैं किसका, वाटर का. डिफरेंट मेथड्स होते हैं पल्सिंग के, जैसे कि जो कट फ्लावर्स है उसको हम लोग पल्स करते हैं विद द शुगर्स, जैसे कि सुक्रोज. और जो सुक्रोज पल्सिंग होता है वो इन्वॉल्व करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5 to 20%, जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं ओवरनाइट के लिए. और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, या फिर वार्म टेम्परेचर हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे कितना देर के लिए, तो 10 मिनट के लिए. और जो कट फ्लावर्स होते हैं जैसे कि कार्नेशन या फिर डेल्फिनस, इसको पल्स करते हैं विद द एंटी इथाइलिन एजेंट. तो हम लोग डिफरेंट फ्लावर के लिए डिफरेंट एजेंट्स यूज कर सकते हैं. तो जैसे हम लोग कार्नेशन के लिए क्या यूज करते हैं, इथालिन एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि सिल्वर थायोसल्फेट या फिर एमिनो ऑक्सी एसिटिक एसिड. तो इसके वजह से क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पल्सिंग मेथड कर सकते हैं कार्नेशन में. इसके अलावा जो कट फ्लावर्स रहते हैं जो कि पल्स करते हैं विद द डाइज, जैसे कि फूड ग्रेड्स ब्लू जो यूज करता है व्हाइट कार्नेशन, सर की इंटरेस्टिंग विजुअल इफेक्ट दे, जैसे कि ब्लू कलर पेटल वेन्स एंड मार्जिन. तो इसमें भी हम लोग कट फ्लावर जो पल्सिंग है इस तरीके से भी कर सकते हैं, सर की वहाँ पे जो है डाई दे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर, साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाई. तो जो CGMS है, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये किसने डिस्कवर किया था, तो ये जोन्स एंड डेविस ने डिस्कवर किया था. कब, 1944 में. आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, जोन्स एंड डेविस, 1944. तो ये जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता क्या है, तो ये जो केस है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जहाँ पे जो है डोमिनेंट रहता है न्यूक्लियर जीन, और ये क्या करता है, फर्टिलिटी को रीस्टोर कर देता है. ये जो सिस्टम है इसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड, कहाँ कहाँ, तो अनियन मेज और दूसरे दूसरे क्रॉप में. जो ए लाइन होता है वो जो रहता है वो मेल स्टेराइल रहता है, जो कि मेंटेन होता है बाय द क्रॉसिंग विद द आइसोजेनिक बी लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनर लाइन. और बी लाइन जो है वो क्या रहता है, सिमिलर रहता है ए लाइन का, ए लाइन जैसा है, जिसमें सारे कैरेक्टर्स रहते हैं आइसोजेनिक जैसे, एक्सेप्ट फर्टाइल साइटोप्लाज्म. यहाँ पे जो है बी लाइन में फर्टाइल साइटोप्लाज्म भी रहता है. और जो मेल स्टेराइल ए लाइन रहता है उसको हम लोग क्रॉस करते हैं विद द आर लाइन, जो कि रीस्टोरर रहता है, और वो रीस्टोर करता है फर्टिलिटी इन F1. तो ये जो है आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है इसके इसके लिए, ए लाइन बी लाइन और जो मेल स्टेराइल ए लाइन है उसको हम लोग क्या करते हैं, आर लाइन के साथ क्रॉस करते हैं. तो ये सब क्या है, प्रोसेस है CGMS में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40 नंबर, ट्रॉमेटिक इंसेमिनेशन इज ऑब्जर्व इन विच फैमिली. जो ट्रॉमेटिक इंसेमिनेशन है ये किस फैमिली में ऑब्जर्व होता है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन टू, सिमिसिडी. तो सिमिसिडी में जो है यहाँ पे ट्रॉमेटिक इंसेमिनेशन देखने को मिलता है. ट्रॉमेटिक इंसेमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिक इंसेमिनेशन भी बोलते हैं, जो कि मेटिंग प्रैक्टिस होता है किसी स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में, जहाँ पे जो है मेल जो है ये पायर्स करता है फीमेल एब्डोमेन को किसके हेल्प से, तो एडिगस से. और जहाँ पे जो है स्पर्म का इजेक्शन होता है किस कहाँ से, तो उंड, यहाँ पे जो अगर उंड है इनटू द एब्डोमेन कैविटी ऑफ द फीमेल, तो वहाँ से जो यहाँ पे स्पर्म वहाँ पे एंटर करता है. उसके बाद जो फीमेल जो स्पर्म है वो डिफ्यूज करता है फीमेल के हिमोलिम से, फिर वहाँ पे उससे उसके बाद वो वहाँ से जाता है ओवरी में, और फिर वो जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर, द मोस्ट अबंडेंट प्राइमरी मिनरल्स आर क्वार्ज एंड. जो मोस्ट अबंडेंट प्राइमरी मिनरल्स है यहाँ पे क्वार्ज है, और यहाँ पे फेल्सफार आता है. आंसर जाएगा ऑप्शन टू, फेल्सफार. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर, इन मेज क्रॉप
a cross between an inbred line and open pollinated variety is known as, क्या बोला है, मेज क्रॉप में जो क्रॉस होता है बिटवीन द इनब्रेड लाइन एंड ओपन पॉलिनेटरी वैरायटी इसको क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, टॉप क्रॉस। तो जो टॉप क्रॉस है इसको प्रोड्यूस करते हैं बाय क्रॉसिंग अ सिंगल क्रॉस। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे सिंगल क्रॉस कर देते हैं विद एन ओपन पॉलिनेटरी वैरायटी एंड सच क्रॉस इज कॉमनली यूज फॉर टेस्टिंग द जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। मतलब यहाँ पे टॉप टॉप क्रॉस कहता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंगल क्रॉस जो कि ए क्रॉस बी अगर सिंगल क्रॉस है इसको हम लोग क्रॉस करते हैं विद ओपन पॉलिनेटरी वैरायटी। ठीक है, और एस क्रॉस को जो हम लोग मेनली कहाँ यूज करते हैं, जो हम लोग सर की टेस्ट कर सके जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को, तो वहाँ पे हम लोग टॉप क्रॉस को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो होता है कि जो टॉप क्रॉस वैरायटी है, जैसे कि कौन कौन से वैरायटीज आ जाएंगे मेज के जो कि टॉप क्रॉस वैरायटी है, तो गंगा टू एच आई स्टार्च, ये सब जो है टॉप क्रॉस के वैरायटीज हैं जो कि मेज के हैं। और एक डबल क्रॉस टेक्निक है, डबल क्रॉस टेक्निक जो ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, जो कि डी एफ जोनास इन 1920 में जो है इन्होंने दिया था। और ये डबल क्रॉस टेक्निक है ये मोस्टली यूज होता है इंडिया में। इसके अलावा जो डबल टॉप क्रॉसिंग है, क्या कहते हैं, टॉप क्रॉसिंग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो सिंगल क्रॉस है ए क्रॉस बी हो गया, ये सिंगल क्रॉस हो गया, इसको हम लोग फिर क्रॉस करवा रहे हैं विद द ओपन वॉलंटरी वैरायटी, इसको कह सकते हैं सी। तो ये दोनों के बीच में क्रॉस हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉप क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर, विच कैंस आर रिकमेंड फॉर कैनिंग ऑफ स्ट्रॉबेरी। तो किस टाइप ऑफ कैन को हम लोग रिकमेंड करते हैं इसके इसको कैन करने में, किसको, तो स्ट्रॉबेरी को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, एसिड रेसिस्टेंट लैक्योर्ड कैंस। तो जो मेनली जो स्ट्रॉबेरी में जो कैनिंग होता है वो हम लोग किस टाइप का यहाँ पे कैन यूज होता है, तो एसिड रेसिस्टेंट लैक्योर्ड कैन जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। कैनिंग होता क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को सील कर देते हैं, या फिर कोई भी फूड स्टॉफ को जो हम लोग यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर में वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, उसका उसको स्टरलाइज करते हैं, कैसे, हीट कैप से, सो दैट कि यहाँ पे स्टोरेज है वो लॉन्ग डेज के लिए रहे, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैनिंग। 1904 में जो है निकोलस एपोर जो थे जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने इन्वेंट किया था इस प्रोसेस को, और उनको जो है फादर ऑफ कैनिंग भी बोलते हैं। किसको, निकोलस एपोर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ कैनिंग। जो प्रोसेस है कैनिंग का उसको हम लोग एपर्टाइजेशन भी बोलते हैं। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कैन होता है सीजन में रॉ मटेरियल्स में जो भी है वो अवेलेबल रहता है, और जो कैन प्रोडक्ट रहता है जो कि हम लोग ऑफ सीजन में सोल्ड करते हैं, वो जो हमें क्या देता है, बेटर रिटर्न्स देता है। मतलब कि अगर हम लोग अगर जो सीजन में अगर हम लोग उसको ग्रो कर रहे हैं, और ऑफ सीजन जब वो क्रॉप वहाँ पे नहीं प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे अगर हम लोग बेचते हैं, तो क्या काफ़ी ज़्यादा जो है रिटर्न्स मिलता है फार्मर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर, व्हाट इज द नेट एटीपी प्रोडक्शन अंडर एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट। तो टोटल एटीपी प्रोडक्शन कितना होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, 6। टोटल 6 एटीपी का प्रोडक्शन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर, व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी विल बी। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ की वैल्यू हो जाती है 0। तो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है 0, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एनेबा रोगा और फूड रॉट इज द डिजीज ऑफ। जो एनेबा रोगा है या फिर फूड रॉट है ये किसका डिजीज है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अरेका नट। ये अरेका नट का डिजीज है। तो इसमें जो एनेबा रोगा या फूड रॉट है यहाँ पे क्या सिम्टम शो करता है, तो यहाँ पे जो लीफ है जो कि आउटर होल में प्रेजेंट रहता है वो येल्लोइश हो जाता है, और ये जो है स्प्रेड कर देता है पूरे लीफ में, और जो लीव्स होती है वो ड्रूप हो जाती है, मतलब क्या झुक जाती है, और ये है पूरे स्टेम को कवर कर देती है, जो लीव्स है वो ड्रूप डाउन आती है और क्या करता है वो जो स्टेम है उसको पूरा कवर कर देता है। उसके बाद जो इनर होल रहता है लीव्स का वो येलो बन जाता है, और उसके बाद लीव्स ड्रॉप ड्रुप होने के बाद क्या होता है वो सूख जाते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं और वहाँ पे फिर बस स्टेम बचता है, क्योंकि पहले स्टेम को कवर करता है लीव्स, और उसके बाद क्या होता है वो सूखने के बाद झड़ने के बाद क्या होता है स्टेम बस बचता है, और जो स्टेम है वो ब्रिटल हो जाता है और उसको फिर ये ईजिली जो है वो टूट जाता है अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो जो बेस रहता है स्टेम का वो जो है ब्राउन डिस्कलरेशन दिखाता है, वहाँ पे ऊजिंग भी होता है डार्क फ्लूइड का। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट शेप फ्रुक्टिकेशन देखने को मिलेगा फंगस का, जो कि बोलता है एनेबे, और ये अपीयर होता है एट द बेस ऑफ द ट्रंक। जो रूट्स है वहाँ पे डिस्कलर हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, फिर वो सूख जाते हैं, और जो इन्फेक्टेड ट्रंक रहता है उसको अगर हम लोग कट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कट ओपन करते हैं तो वहाँ पे ब्राउन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये सब इसके सिम्टम्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर, अंडर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, तो पहले मैं जान लीजिए आप कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि स्टेट करता है कि जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड है इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो जो प्राइस है ये इन्वर्स रिलेशन दिखाता है क्वांटिटी डिमांडेड में। ऐसा हो सकता है कि अगर प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रहा है, या फिर अगर प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके किसके बीच, प्राइस ऑफ गुड के एंड डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। जो अल्फ्रेड मार्शल है जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब जैसे कि कोई पर्सन है अगर वो डिमांड कर रहा है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा में, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो है ये कुछ भी चीज़ जो खरीदना चाह रहा है ज़्यादा खरीदेगा अगर उसको सेम प्राइस में मिलेगा। मतलब अगर प्राइस अगर बढ़ने वाला है, उसको पता चले कि प्राइस बढ़ने वाला है तो क्या होगा, अगर मतलब प्राइस अगर प्राइस डिमांड बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ रहा है तो अगर तो प्राइस तो उसमें क्या होगा, घटेगा। अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे डिमांड घटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप शो करेगा। तो ऐसा ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन है अगर कोई भी चीज़ वो डिमांड कर रहा है, उसका डिमांड जो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्राइस घट जाएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है यहाँ पे प्राइस का। अगर प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही है कि जो प्राइस आता है कॉमोडिटी का कोई भी सामान का वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद सेकेंड है क्वांटिटी डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जो क्वांटिटी डिमांड है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी सही है। उसके बाद जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है विज फॉर्म बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ये तो इवन लॉ ऑफ डिमांड ही यही है कि जो रिलेशनशिप रहता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में वो क्या रहता है, रेसिप्रोकल रहता है, मतलब इनवर्स रहता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे सब जो है स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर, ट्रेंचिंग अराउंड ग्राउंडनट फील्ड इज डन टू चेक द अटैक ऑफ। जो लोग ट्रेंचिंग प्रोसेस करते हैं ग्राउंडनट के फील्ड में, ये हम लोग क्यों करते हैं, किसके अटैक से बचाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं रेड हेयरी कैटरपिलर से बचाने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रेड हेयरी कैटरपिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, चूज अ एरोमेटिक क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एरोमेटिक क्रॉप इसमें से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डेवेना, जो आर्टिमेसिया ये स्पीशीज जो है ये एक तरह का एरोमेटिक क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, विच फंगीसाइड इज हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड ओमाइसेटस फंगी। तो कौन सा फंगीसाइड जो हम लोग मेनली यूज करते हैं जो कि ओमाइसेटस फंगी का जो ग्रोथ है वो रोक देगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मेटालेक्सिल। जो मेटालेक्सिल है ये फिनाइलामाइड से बिलोंग करता है और ये एक तरह का सुपीरियर फंगीसाइड्स है जिसको 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो है एक्टिव है ओमाइसेटस फंगी के टुवर्ड्स, और ये जो है क्या करता है, आरआरएनए सिंथेसिस को रोक देता है। इसके वजह से जो है ये जो मेटालेक्सिल है, मेटालेक्सिल क्या करता है, आरआरएनए सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे ओमाइसेटस फंगी जो है इसका ग्रोथ नहीं होता है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये फंगीसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंजर्वेशन मेजर इज नॉट एन एग्रोनॉमिक मेजर। गिवन ऑप्शन में से जो है कौन सा सॉइल कंजर्वेशन जो है एग्रोनॉमिकल मेजर्स नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, कॉन्टोर ट्रेंचेस। जो कॉन्टोर ट्रेंचेस है ये एग्रोनॉमिक मेजर नहीं है। कॉन्टोर ट्रेंचेस होता क्या है, तो यहाँ पे जो है ये एक एग्रीकल्चर का ऐसा टेक्निक है जहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं डिच को डग करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे गड्ढा कर देते हैं हिल साइड के अलॉन्ग, और ऐसा करते हैं सो दैट कि जो कंटोर है वो जो है परपेंडिकुलर रन कट टू द फ्लो ऑफ दी वाटर, जो फ्लो ऑफ वाटर है उसके परपेंडिकुलर है कंटोर, और यहाँ पे जो सॉयल जो है यहाँ पे क्या होता है, जो गड्ढा खोदे हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जमा जाता है, अगर वहाँ पे इरोजन होता है तो वहाँ पे क्या होता है वो जमा जाता है वहाँ पे, तो ये जो है मतलब इरोजन को हटाने में मतलब सॉयल कंजर्वेशन में हेल्प करता है। अगर यहाँ पर गड्ढा नहीं रहेगा तो डायरेक्टली अगर स्लोप ही है तो ये क्या होगा, पूरा डाउनफॉल हो जाएगा सॉइल का, लेकिन अगर यहीं पे हम लोग अगर यहाँ पे क्या डिग कर दे रहे हैं अलॉन्ग द कॉन्टोर, तो यहाँ पे जो सॉइल गिर रहा होगा स्लोपी एरिया में, यहाँ पे जमा होता जाएगा, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन करते हैं, लेकिन ये एक तरह का एग्रोनॉमिक मेजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, डॉग रिज रूट स्टॉक प्रोटेन्स टू। जो डॉग रिज रूट स्टॉक है ये किसका है, किसमें जो है ये डॉग रिज रूट स्टॉक हम लोग यूज़ करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ग्रेप्स। जो ग्रेप्स में यहाँ पे जो यूज़ करते हैं रूट स्टॉक वो क्या रहता है, डॉग रिज रूट स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, क्वालिटी प्रोटीन मेज इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मेज बिकॉज इट्स हैज हायर अमाउंट ऑफ। जो क्वालिटी प्रोटीन मेज है ये डिफरेंट रहता है कोई भी नॉर्मल मेज से, तो इसमें क्या हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1,
लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो जो लाइसिन ट्रिप्टोफैन है ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है क्वालिटी प्रोटीन मेज में। तो जो क्वालिटी प्रोटीन मेज है, एक फैमिली है मेज वैरायटी का, यहाँ पे जो है ये ट्वाइस जो है यहाँ पे लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन का अमाउंट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल मेज। और ये जो काफ़ी एसेंशियल रहता है, ये जो अमीनो एसिड से मिलता है क्वालिटी प्रोटीन मेज में, जो कि लाइसिन ट्रिप्टोफैन है, ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल रहता है फॉर द ह्यूमन एंड मोनोगैस्ट्रिक एनिमल, जो कि ये अमीनो एसिड नहीं मिलता है नॉर्मल मेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। एसएमआरसी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज बिन गिवन बाय, जो एसएमआरसी मॉडल है कम्युनिकेशन की, किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन वन, डेविड बर्लो। दो जो एसएमआरसी मॉडल क्या कह रहा है, एस मतलब सेंडर, एम मतलब मैसेज, सी फॉर चैनल एंड आर फॉर रिसीवर। ये जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये एक्सपेंशन है किसका, शैनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का। लेकिन डेविड बर्लो जो है क्रिएट किया है इस मॉडल को, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है शैनॉन एंड वीवर्स लीनियर मॉडल से। कब? तो यह जो 1960 में। तो आपको ध्यान रखना है जो एसएमआरसी है, एस मतलब एसएमआरसी का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, तो सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर। ये जो मॉडल कम्युनिकेशन है ये डेविड बर्लो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल माइग्रेशन ऑफ स्मॉल मिनरल पार्टिकल्स फ्रॉम ए टू द बी होराइजन ऑफ द सॉइल प्रोड्यूसिंग इन बी होराइजन रिलेटिव इन क्ले इज नोन एज। तो जो प्रोसेस है जहाँ की माइग्रेशन हो रहा है स्मॉल मिनरल पार्टिकल का, जैसे कि फ्रॉम ए टू बी होराइजन, जैसे अगर यहाँ पे ए होराइजन प्रेजेंट है, यहाँ पे बी होराइजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्मॉल मिनरल पार्टिकल है इसका मैकेनिकल माइग्रेशन हो रहा है। और ये जो है यहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या, बी होराइजन में जो रिलेटिव यहाँ पे क्ले प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे जो है इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन टू, लैसीवेज। तो जो लैसीवेज है एक तरह का लीचिंग है जहाँ पे फ्रॉम द क्ले पार्टिकल, जो कि नीचे जा रहा है सस्पेंशन की वजह से। और जो प्रोसेस यहाँ पे जो होता है यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे जो पैड्स होते हैं, पैड्स मतलब क्या, जो पार्टिकल जो कि सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसको बोलते हैं पैड। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि पैड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, और इसकी वजह से जो यहाँ पे जो स्मॉल मिनरल पार्टिकल्स है वो यहाँ पे नीचे लीच कर रहे हैं, नीचे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच टाइप ऑफ वेदर फॉरकास्ट इज यूजफुल फॉर चूजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न चूज करने के लिए हम लोग किस वेदर फॉरकास्ट का यूज करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट। तो तीन तरह का वेदर फॉरकास्टिंग होता है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज फॉरकास्ट में हम लोग लेस देन 3 डेज या फिर अप टू 72 आवर्स तक करते हैं। मीडियम रेंज में हम लोग क्या करते हैं, 3 टू 10 डेज का करते हैं। और एक होता है लॉन्ग रेंज, जो कि मोर देन 10 डेज का करते हैं। और जो शॉर्ट रेंज फॉरकास्ट होता है वो हम लोग ट्वाइस इन अ डे करते हैं, और ये वैलिड रहता है 36 आवर्स के लिए। और जो लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट होता है ये इशू करते हैं थ्राइस इन अ ईयर, और यूजफुल रहता है फॉर चूजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न। और जो प्रडिक्शन करते हैं मॉनसून का, वो कैसा, वो जो स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन होता है वो लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग के बेस पे ही होता है मॉनसून का प्रडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 31 नंबर। एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन आर, तो जो एलिमेंट्स है लर्निंग सिचुएशन के वो क्या क्या है? यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन थ्री, टीचर, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मटेरियल, फिजिकल फैसिलिटीज एंड लर्नर। ये सब जो है यहाँ पे लर्निंग के जो है एलिमेंट्स है। अगर यहाँ पे टीचर नहीं प्रेजेंट रहेगा, सब्जेक्ट मैटर सब प्रेजेंट नहीं रहेगा, टीचिंग मटेरियल प्रेजेंट नहीं रहेगा, फिजिकल फैसिलिटीज नहीं रहेंगे, लर्नर नहीं रहेंगे, तो ये सब क्या होगा, लर्निंग वहाँ पे हम लोग लर्निंग वाला प्रोसेस नहीं होगा, हम वहाँ पे सीख नहीं पाएंगे। तो ये सब क्या बेसिक एलिमेंट्स है लर्निंग के लिए, अगर हमें कोई भी चीज़ सीखना है तो ये सब चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 32 नंबर। अ रॉन्ग डिसीजन अबाउट हाइपोथेसिस लीड टू, अगर कोई भी रॉन्ग डिसीजन है हाइपोथेसिस, तो वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दो तरह का एरर होगा। तो आंसर जाएगा ऑप्शन टू, टू काइंड्स ऑफ एरर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अगर हम लोग कभी गलत डिसीजन लेते हैं किसी भी हाइपोथेसिस का, तो यहाँ पे टू काइंड्स ऑफ एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। इन विच क्रॉप द डॉग्स मेथड अडॉप्टेड फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, किस क्रॉप में हम लोग डॉग्स मेथड यूज करते हैं जैसे हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, कॉटन। तो जो डॉग मेथड होता क्या है, जिसमें जो एक मैच्योर फ्लावर बर्ड होता है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें जो कोरोला होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, और जो टोटल स्टैमनल कॉलम होते हैं उसको पील ऑफ कर देते हैं, सो दैट कि वो उसको एकदम नैरो हो जाए एट द लोअर पोर्शन ऑफ द फ्लावर बर्ड। तो जो फ्लावर बर्ड है उसका जो है वहाँ पे क्या हो जाए कि नैरो कट हो जाए फ्लावर बर्ड के लोअर पोर्शन में। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे अच्छे से केयर लेते हैं सो कि ये जो ओवरी है यहाँ पे इंजरी नहीं हो उसमें, वो ठीक से रहे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसको वहाँ पे डैमेज नहीं होना चाहिए। और इमैसिलेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स को जो है हम लोग कवर कर देते हैं विद अ रेड पेपर कवर। उसके बाद अगर हम लोग को जिस तरीके का जो उससे हम लोग पॉलिनेशन कराना होता है हाइब्रिड जो भी मतलब डिजायरेबल ट्रेड से के लिए, तो वहाँ पे हम लोग करवाते हैं वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, पॉलिनेशन प्रोसेस होता है
और पॉलिनेशन का जो हमें डिजायर प्रोजिनी मिल जाती है, इसके वजह से हम लोग का हाइब्रिड सीड जो यहाँ पे मिलता है. तो ये जो हम लोग इसी को कहते हैं डॉग्स मेथड, और ये कॉटन में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस. तो कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है जो जो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता हो. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पोटेशियम. तो अगर पोटेशियम आयन बढ़ जाएगा तो वहाँ पे जो गार्ड सेल है वहाँ पे हाइपोटोनिक सिचुएशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ज्यादा वाटर सेल के अंदर घुसेगा. इसके वजह से क्या होगा, जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा. और क्लोजिंग जो है इसका जस्ट इसी का उल्टा फेनोमेनन है, जहाँ पे जो है ओपनिंग जो होता है, जैसे क्या होगा कि जो क्लोजिंग जो है वाटर वहाँ पे नहीं घुसेगा मतलब, और फ्रॉम द जो क्लोजिंग है क्या होता है यहाँ पे अपोजिट फेनोमेनन है ओपनिंग का. जैसे कि जो क्लोजिंग यहाँ पे क्या करता है, क्लोज करता है वाटर को और वहाँ पे जो रिमूव कर देता है फ्रॉम द गार्ड से, वो क्या होता है वहाँ पे बिकम फ्लैसिड, वहाँ पे सिचुएशन फ्लैसिड आता है. और पहले क्या था हाइपोटोनिक सिचुएशन, उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पर फ्लैसिड हो जाता है. तो इसी वजह से जो पोटेशियम इस तरीके से जो है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन आर. तो डिफ्यूजन के एलिमेंट्स क्या क्या है. तो आंसर जाएगा ऑप्शन 4, इनोवेशन, कम्युनिकेशन चैनल्स, टाइम एंड सोशल सिस्टम. ये सब जो एलिमेंट्स है डिफ्यूजन के, तो आपको ध्यान रखना है कि इनोवेशन, कम्युनिकेशन चैनल, टाइम एंड सोशल सिस्टम क्या है, एलिमेंट्स है डिफ्यूजन के. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर, ईयर कॉकल ऑफ वीट इज कॉज बाई. जो ईयर कॉकल होते हैं वीट में भी किससे कॉज होते हैं, तो ये नेमेटोड से होते हैं. आंसर जाएगा ऑप्शन 1, नेमेटोड. तो यहाँ पे जो काउजल ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे ये है एंग्विना ट्रिटिकी. या ये जो है क्या करते हैं प्लांट्स को जो है यहाँ पे मार देते हैं. कैसे कर मार देते हैं, तो यहाँ पे जो रिंकल कर देते हैं मतलब यहाँ पे रिंकल कर देते हैं और ट्विस्ट कर देते हैं लीव्स को, जो कि यंग प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वहाँ पे ट्विस्ट कर देते हैं. यहाँ पे जो हेड्स या जो ईयर फॉर्म होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और इरेगुलर हेड्स फॉर्म होते हैं, जो कि टिपिकल कॉकल जैसा होता है, जो कि इसका कलर लाइट टू डार्क ब्राउन होता है और यहाँ पे राउंड बॉल जो यहाँ पे फॉर्म करते हैं इंस्टेड ऑफ हेल्दी ग्रेन्स. हेल्दी ग्रेन नहीं फॉर्म करके यहाँ पे राउंडेड बॉल्स फॉर्म करते हैं. उसके बाद क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे जो है कुछ दूसरा डिजीज भी होता है, जैसे कि बैक्टीरियम ट्रिटिकी जो प्रोड्यूस करते हैं इसी टाइप का सिम्टम. यहाँ पे जो ग्रोथ हो जाता है प्लांट को वो रिड्यूस हो जाता है और जो ईयर्स होते हैं डिजीज प्लांट के वो इमर्ज नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली. चलिए ये सब सिम्टम्स थे ईयर कॉकल डिजीज जो कि वीट में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर, टेक्नोलॉजीज टू मैनेज स्पैटियल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कॉल्ड. तो जो भी टेक्नोलॉजीज जहाँ पे हम लोग स्पैटियल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी करते हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उसको क्या बोलते हैं. यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन 3, प्रिसीजन फार्मिंग. तो प्रिसीजन फार्मिंग एक ऐसा अप्रोच है फार्म मैनेजमेंट का जो कि यूज करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जो इंश्योर करता है कि जो भी क्रॉप्स और जो भी सॉयल है जो भी रिसीव कर रहे हैं वो उसी इनपुट को वहाँ पे दिया जाए जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, ना कि ज्यादा दिया जाए ना ही कम दिया जाए. जितना भी सॉइल को जो भी अगर उसे चाहिए, सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या फिर कुछ भी, अगर हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा इनपुट डाल रहे हैं सॉइल में, तो वहाँ पे हम लोग वही उतना ही अमाउंट डालेंगे जितना वहाँ पे सॉइल या फिर क्रॉप को जरूरत होती है, उसके नीड के अकॉर्डिंग डालेंगे ऑप्टिमम हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते हुए. यहाँ पे जो मेनली गोल होता है प्रिसिजन एग्रीकल्चर का, वो इंश्योर करता है प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर, एक्वापोरिन्स फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो एक्वापोरिन्स आर जो एक्वापोरिन्स है ये फैसिलिटेट करता है कि वाटर का मूवमेंट हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस. तो जो एक्वापोरिन्स है वो क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन के नेचर के होते हैं. तो एक्वापोरिन्स आर प्रोटीन इन नेचर. आंसर जाएगा ऑप्शन 3. तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्वापोरिन्स है ये इनका जो नेचर होता है वो प्रोटीनिशियस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर, हाईली सुटेबल क्रॉप फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ साइलेज. तो जो हाईली सुटेबल क्रॉप जो रहता है जिससे हम लोग अच्छे क्वालिटी ऑफ साइलेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो क्या होता है. तो आंसर जाएगा ऑप्शन 1, मेज. मेज की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग गुड क्वालिटी साइलेज प्रोड्यूस कर सकते हैं. मेज का जो साइंटिफिक नेम है वो है जिया मेज. इसका क्रोमोजोम होता है नंबर होता है 2n = 20. इसका ऑरिजिन हुआ है सेंट्रल अमेरिका में और जो मेज एक तरह का नॉन टिलर प्लांट है और जो मेज है इसमें यूजली जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं. जो मेज यहाँ पे येलो कलर होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रिप्टोजांथिन. और जो मेज है यहाँ पे जो हाई यील्ड पोटेंशियल है इसमें, और इसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज वैल्यू फॉर्म. तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसका वैल्यू कितना वैरी करता है. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, -1 to +1. तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये स्पेसिफिक मेजर करता है किसी भी क्वांटिफाइज को, जो कि स्ट्रेंथ देता है किसका, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. अगर कोई भी दो वेरिएबल रहता है कोरिलेशन एनालिसिस में तो वहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप शो करता है. और जो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और ये जो है वैरी करता है -1 से +1.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द बल्क ऑफ द डैश पावर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द क्रिस्टलाइन क्ले मिनरल्स ऑफ द सॉयल कोलोइड. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, फ्लॉकुलेशन. जो जो बल्क रहता है फ्लॉकुलेशन का, वो पावर करता है कॉन्सेंट्रेटेड इन द क्रिस्टलाइन क्ले मिनरल्स ऑफ द सॉयल कोलोइड. तो फ्लॉकुलेशन का क्या कह रहा है कि अगर हम लोग एक बीकर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग सॉइल पार्टिकल डाल रहे हैं या फिर क्ले मिनरल्स का पार्टिकल डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फ्लॉकुलेट कर जाएगा. फ्लॉकुलेट मतलब क्या है, वो एक दूसरे से एडहेयर कर जाएगा. इसी प्रोसेस को हम लोग फ्लॉकुलेशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 42 नंबर. इन विच राइस डिजीज क्रेसेक फेज इज देयर. तो कौन से राइस डिजीज में क्रेसेक फेज देखने को मिलता है. तो आंसर जाएगा ऑप्शन फोर, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट. तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BLB भी बोलते हैं, जिसका जिसका काउजल ऑर्गेनिज्म है जैंथोमोनास ओराइजी, पीवी ओराइजी. यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्रेसेक, जिसको हम लोग सिडलिंग विल्ट भी बोलते हैं, ये देखने को मिलता है नर्सरी में. और यहाँ पे जो है प्लांट जो है वहाँ पे विदर पे जाता है, वहाँ पे बाद में सूख जाते हैं. 4-6 वीक के बाद जो है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब 4-6 वीक जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ब्लाइटनिंग देखने को मिलता है, जो कि टिप से होता है, जो लीव्स का जो टिप है, जैसे ये लीव्स के टिप्स, यहाँ पे ब्लाइटिंग प्रोसेस होती है, ये बेस की ओर जाती है, इस तरीके से इसका डायरेक्शन होता है. और यहाँ पे जो येलोइंग बैक्टीरियल ऊज जो है अपीयर होता है सरफेस ऑफ लेजेंस में. इसका हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बैक्टीरियोमाइसिन का स्प्रे कर सकते हैं. कितना लेंगे, एट द रेट ऑफ 25 ग्राम पर हेक्टेयर, या फिर हम लोग यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं. किसे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से, जिसका हम लोग 0.015% ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 43 नंबर. सारिडॉन नक्टालॉन इज अ, तो सारिडॉन नक्टालॉन क्या है, ये एक तरह का पेरिनियल वीड है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, सारिडॉन नक्टालॉन इज अ पेरिनियल वीड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर. अमंग द फॉलोइंग विच मेडिसिनल क्रॉप नेचुरली प्रिवेल्स इन एरिड रीजन ऑफ थार डेजर्ट. तो कौन सा मेडिसिनल क्रॉप जो है ये एरिड रीजन में ग्रो हो सकता है. तो कौन सा एरिड रीजन में, तो थार डेजर्ट के एरिड रीजन में. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, जेट्रोफा क्रोकस. जो जेट्रोफा क्रोकस है, ये मेनली एरिड रीजन में ग्रो होता है और ये एक तरह का क्या, मेडिसिनल प्लांट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 45 नंबर. आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट विच इज फंक्शन एज सेकेंडरी मैसेंजर. तो यहाँ पे कौन सा न्यूट्रिएंट जो है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करेगा. तो आंसर जाएगा ऑप्शन थ्री, कैल्शियम. तो यहाँ पे जो कैल्शियम है, ये जो है एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर जैसा फंक्शन करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 46 नंबर. आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस. कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है. यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन थ्री, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता है. फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है, तो ये एक तरह का केमिकल प्रोसेस है जो कि होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट प्रेजेंट रहते हैं, और ये बाद में प्रोड्यूस करते हैं, कब, यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ड्यूरिंग दी ऑक्सीजनेशन, जब ये कैटलाइज करते हैं बाय एंजाइम रुबिस्को, और यहाँ पे जो इनहिबिट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस को. कैसे, तो यहाँ पे CO2 फिक्सेशन जो होता है रुबिस्को में, वहाँ पे वो इंटरफेयर कर देते हैं. तो जो फोटो रेस्पिरेशन, ये इन्फ्लुएंस होता है हाई टेम्परेचर में. अगर हाई टेम्परेचर था वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होगा, या फिर अगर लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो भी, अगर फोटो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है. और यहाँ पे क्या करता है, ये एक्सीलेट कर देता है ग्लाइकोलेट के फॉर्मेशन को, और ये क्या करता है, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे यहाँ पे फॉर्म करता है. जो फोटो रेस्पिरेशन है, यहाँ पे लाइट रिलायंट एक्सेप्टेंस ऑफ CO2 होता है, और यहाँ पे CO2 को यहाँ पे डिस्चार्ज होता है. और ये क्या होता है, ये रिलेट करता है टू द क्रिएशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द माइनर पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 47 नंबर. द एनर्जी स्टेटस ऑफ अ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी इज. तो क्या बोल रहा है कि जो एनर्जी स्टेटस रहता है किसका, तो वाटर का, एट द फील्ड कैपेसिटी. तो यहाँ पे क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, 0.01 to 0.03 MPa. तो जो फील्ड कैपेसिटी होता है, ये मेनली अगर हम लोग बार में देखें तो 0.1 से लेके 0.3 bar जो यहाँ पे वैरी करता है, लेकिन यहाँ पे मेगा पास्कल में दिया है. तो 1 MPa जो 1 bar जो होता है, ठीक है, 1 bar = 0.1 MPa होता है. तो यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.01 to 0.03 MPa हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 48 नंबर. सॉल्वेंसी ऑफ अ डिजीज कैन बी डिटरमाइंड बाय इवेलुएटिंग द. जो सॉल्वेंसी होता है किसी भी बिजनेस का, हम लोग उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, किस चीज़ को इवेलुएट करके हम लोग जो है सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, डेट टू इक्विटी रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 49 नंबर. हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टीलेज. तो फादर ऑफ टीलेज हम लोग किसको बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू, जेथ्रो टूल. तो जो जेथ्रो टूल है, जेथ्रो टूल को जो है हम लोग फादर ऑफ टीलेज बोलते हैं, मतलब फादर ऑफ टीलेज बोलते हैं, और जेथ्रो टूल को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टीलेज. तो टीलेज होता क्या है कि टीलेज हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग को लैंड की प्रिपरेशन करनी होती है सो डैट वहाँ पे जो क्रॉप्स है उसको ग्रो कर सके, तो वहाँ पे जो हम लोग टीलेज प्रोसेस करते हैं. तो
जरा क्या है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन है कोई भी सॉइल का, सो डैट कि हम लोग वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें, सो डैट कि वो जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे एक सॉइल वाटर कंजर्वेशन, सॉइल टेम्परेचर, इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन प्रोसेस, वो सब प्रोसेस जो है अच्छे से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 नंबर, अ कंपोनेंट ऑफ ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम इज, तो ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम में हम लोग कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट है गिवन ऑप्शन में से, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 3, वेंचुरी। तो जो वेंचुरी है ये कंपोनेंट है ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम का। फर्टिगेशन मतलब क्या, अगर हम लोग इरीगेशन प्लस फर्टिलाइजर दोनों प्रोसेस एक साथ करें तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिगेशन। इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन। और जो वेंचुरी है ये ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम का कॉम्पोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 51 नंबर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, इसमें से जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यूज ऑफ जेस्टर्स एंड पोस्चर। तो ये एक तरह का क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल मतलब क्या, कि अगर हम लोग वहाँ पे नहीं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बोल नहीं रहे हैं, वहाँ पे बस हम लोग क्या कर रहे हैं, जेस्टर शो कर रहे हैं, मतलब हम लोग वहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं फिंगर से या फिर हैंड से, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिंग करके जो यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, अगर हम लोग बोल के अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन, मतलब ये वर्बल कम्युनिकेशन का आ जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन वहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और ओरल रिटन कम्युनिकेशन अगेन ओरल में हम लोग क्या करते हैं, बोल के बात करते हैं, और रिटन में हम लोग लिखते हैं। ये सब जो है यहाँ पे ये सब नहीं होके क्या होगा, यूज ऑफ जेस्टर्स एंड पोस्चर जो है यहाँ पे, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जेस्टर्स एंड पोस्चर की हेल्प से यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोल नहीं रहे, वॉइस यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, विच ऑफ दी फॉलोइंग सिल्कवॉर्म डिजीज इज ट्रांसओवेरली ट्रांसमिटेड, जो सिल्कवॉर्म का डिजीज है जो कि ट्रांसओवेरली ट्रांसमिट होता है, वो कौन सा डिजीज है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पेब्रीन। तो पेब्रीन जो एक तरह का सिल्कवॉर्म डिजीज है जो कि ट्रांसओवेरली ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, जिंक कोटेड यूरिया शुड कंटेन मिनिमम डैश परसेंट ऑफ जिंक, जो भी जिंक कोटेड यूरिया है उसमें हम लोग कम से कम कितना परसेंट ऑफ जिंक होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, विच एमंग दीज इज द होस्ट प्लांट फॉर कुसमी स्ट्रेन ऑफ लैक, तो ये जो गिवन होस्ट प्लांट है तो इसमें से जो है कौन सा कुसमी स्ट्रेन है लैक का, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्क्लियरचेरा ऑलियोसा। तो यह जो स्क्लियरचेरा ऑलियोसा है ये क्या है, होस्ट प्लांट है कुसमी स्ट्रेन का, जो कि किसका है, कुसमी स्ट्रेन लैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं 55 नंबर, इफ 3 जीन्स आर सेग्रीगेटिंग फॉलोइंग मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स विल बी ऑब्जर्व इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पे जो क्या कर रहा है, अगर 3 जीन अगर सेग्रीगेट कर रहा है जो कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो कर रहा है, तो कितने तरह के जीनोटाइप्स जो है यहाँ पे ऑब्जर्व कर होगा F2 जनरेशन में, तो यहाँ पे टोटल 27 जो है यहाँ पे जीनोटाइप फॉर्म होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर, कम्युनिटी डेवलपमेंट CD प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको CD भी बोलते हैं, CD प्रोग्राम, ये कब लॉन्च हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 में जो है इसका लॉन्च हुआ था, आंसर जाएगा ऑप्शन 2, 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर, डेल्टा मेथ्रीन बिलोंग्स टू विच केमिकल ग्रुप, जो डेल्टा मेथ्रीन जो है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, केमिकल ग्रुप, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सिंथेटिक पाइरिथ्रॉइड। तो जो क्या है, डेल्टा मेथ्रीन जो है ये किससे बिलोंग करता है, तो सिंथेटिक पाइराइड केमिकल ग्रुप से जो है यहाँ पे ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यहाँ पे जो है कौन सा जो है ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मीडियन। तो बाकी जो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब जो है ये मेजर है डिस्पर्सन के, लेकिन जो मीडियन है ये जो है ये नहीं है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मोस्ट कॉमनली जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूज होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59 नंबर, विच सेगमेंट इन मेल ग्रास हॉपर फॉर्म्स अ जेनाइटल सेगमेंट, तो जो मेल ग्रास हॉपर जो है इसका कौन सा सेगमेंट जो है यहाँ पे जेनाइटल सेगमेंट फॉर्म करता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 2, 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। तो जो 9th एब्डोमिनल सेगमेंट होता है मेल ग्रास हॉपर का, वहाँ पे जो है वो जेनाइटल सेगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, विच ग्लैंड इन हनी बीज प्रोड्यूस रॉयल जेली, तो कौन सा जो ग्लैंड है हनी बी में जो वो प्रोड्यूस करता है रॉयल जेली, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लैटरल फारेंजियल ग्लैंड। अगर यहाँ पे लैटरल फारेंजियल ग्लैंड की जगह अगर हाइपो फारेंजियल ग्लैंड होता तो यहाँ पे आंसर हो जाता है हाइपो फारेंजियल ग्लैंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रॉयल जेली है ये वर्कर हनी बी जो है ये प्रोड्यूस करती है।
यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वर्कर हनी भी है वो प्रोड्यूस करती है रॉयल जेली, जिसके जिससे वो फेड करवाती है सो वहाँ पे क्वीन प्रोड्यूस हो. और ये जो वर्कर हनी भी है, इसका जो हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड होता है या फिर लैटरल फेरेंजियल ग्लैंड होता है उस वहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका रॉयल जेली का प्रोडक्शन होता है. जो रॉयल जेली है काफी न्यूट्रिटिव होता है, यहाँ पे काफी तरह के विटामिन भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर. डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी हैज बीन गिवन बाय. जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन टू, ईएम रॉगर्स. ये ध्यान रखना है कि जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी है ये ईएम रॉगर्स ने इसे दिया है. जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है एक तरह का थ्योरी है जो कि सीख करता है कि कैसे हम लोग एक्सप्लेन करें, मतलब क्या एक्सप्लेन करें, हाउ, कैसे, व्हाई, किस लिए एंड एट व्हाट रेट. कोई भी जो रेट है न्यू आइडिया का और टेक्नोलॉजी जो स्प्रेड हो रहा है उसका जो है यहाँ पे ये थ्योरी बताता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. और यहाँ पे जो एवरेट रॉगर है ये एक प्रोफेसर थे कम्युनिकेशन स्टडीज के, जिन्होंने ये थ्योरी को पॉपुलराइज किया था अपने बुक में. कौन सा बुक में? तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, जो कि फर्स्ट पब्लिश हुआ था कब, 1962 में. अभी इसका फिफ्थ एडिशन निकला है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर. द सलाइन सॉइल्स हैव एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ. जो सलाइन सॉइल है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना होता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन वन, मोर देन 4 मिलीमो पर सेंटीमीटर. तो जो सलाइन सॉइल होता है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है मोर देन 4 मिलीमो पर सेंटीमीटर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 63 नंबर. अमंग द डिफरेंट मल्टी स्टोरी एंड मल्टी स्पीशीज क्रॉपिंग सिस्टम, विच सिस्टम सुटेबल सस्टेन मोस्ट इन एरिड रीजन. एरिड रीजन क्या? कि जहाँ पे पानी की कमी हो, पानी की कमी हो या फिर वहाँ पे जो है ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो रहा है जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो सॉइल मॉइस्चर वो कम है. तो ऐसा रीजन जहाँ पे जो है ऐसा क्रॉप कौन सा है यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से, कि जो है सूखे एरिया में जो वहाँ पे ग्रो कर पाता है, कम वाटर होने की वजह से भी वो अच्छे से ग्रो कर पाता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन थ्री में जो बेर है, केर एंड फॉग है, ये सब जो है इनको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और ये कम वाटर में भी अच्छा सा जो है प्लांट इसका ग्रो कर जाता है. तो ये जो है काफी ज्यादा सुटेबल क्रॉपिंग सिस्टम है जो कि सस्टेन कर जाता है कोई भी एरिड रीजन में. तो आंसर जाएगा ऑप्शन थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64 नंबर. जीरो स्टेज ऑफ रस्ट फंगी इज कॉमनली नोन एज. जो जीरो स्टेज होता है रस्ट फंगी का वो क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन, पाइक्नोस्पोर. जो पाइक्नोस्पोर है ये जीरो स्टेज है किसी भी रस्ट फंगी का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 65 नंबर. आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट. तो कौन सा जो है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है गिवन ऑप्शन में से, तो आंसर जाएगा ऑप्शन टू, सोडियम. सोडियम जो है ये तरह का क्या है, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है. बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सब तरह का क्या है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66 नंबर. ड्यूरिंग मिल्किंग प्रोसेस नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन. तो जब मिल्किंग का प्रोसेस होता है तो कौन सा हार्मोन जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से जो है मिल्क लेट डाउन प्रोसेस होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन की वजह से जो है यहाँ पे मिल्क लेट डाउन जो है यहाँ पे होता है प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67 नंबर. अ हर्बिसाइड बिलोंगिंग टू एमाइड ग्रुप इज. तो क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है जो कि एमाइड ग्रुप से बिलोंग करता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, ब्यूटा क्लोर. जो ब्यूटा क्लोर है ये जो एमाइड ग्रुप से केमिकल ग्रुप से बिलोंग करता है. तो हर्बिसाइड्स होता क्या है? तो ऐसे केमिकल्स जो कि अनवांटेड प्लांट्स को मार रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हर्बिसाइड. जो कि मेनली जो कि क्रॉप को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो उसको मार देते हैं हर्बिसाइड्स. तो हर्बिसाइड्स जो यहाँ पे क्या करता है, अगर हम लोग किसको अप्लाई करता है, अगर हम लोग ब्यूटा क्लोर का अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है कि जो जो ऐसे प्लांट्स है जो कि हमारे क्रॉप को अफेक्ट कर रहे हैं उसके क्या करते हैं, सेल डिविजन को इनहिबिट करते हैं. इसके वजह से जो है वो उस दूसरे प्लांट को मार देते हैं. मेनली ये क्या करता है, सेल डिविजन को इनहिबिट कर देते हैं ये हर्बिसाइड, जो क्या है, ब्यूटा क्लोर. उसके बाद जो पैराक्वेट है, ये पैराक्वेट है ये मेनली बाय पायरिमिडीन केमिकल ग्रुप से बिलोंग करता है. उसके बाद है एट्राजीन और ग्लाइफोसेट. डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स रहते हैं हर्बिसाइड डिफरेंट डिफरेंट केमिकल ग्रुप से बिलोंग करते हैं. जैसे कि अगर प्रोपेनील हो गया, ये क्या करता है, ये एमाइड, ये भी जो है एमाइड केमिकल ग्रुप से बिलोंग करते हैं. इसके बाद जैसे कि 2,4-D हो गया, 2,4-DB हो गया, MCPA हो गया, ये सब क्या, फिनॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करते हैं. और जो एट्राजीन है, ये एट्राजीन जो किससे बिलोंग करता है, ट्राइअजीन से. जो सिमाजीन हो गया, एट्राजीन, ये सब ट्राइअजीन से जो है बिलोंग करते हैं केमिकल ग्रुप से. और ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस को. पीएस2 स्टेज में जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देते हैं.
उसका जो ग्लाइकोफॉसेट है, ग्लाइफॉसेट क्या है, ग्लाइफॉसेट जो है यहाँ पे ये ग्लाइसिन या फॉस्फोनिक एसिड केमिकल ग्रुप से बिलोंग करता है, और ये क्या करता है ईपीएसपी को, जो ईपीएसपी सिंथेसिस होता है इसको यहाँ पे इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 68 नंबर, द जेनेटिक आर्किटेक्चर ऑफ द कॉलोनी वेराइटीज, जो जेनेटिक आर्किटेक्चर है कॉलोनी वेराइटी का वो क्या है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 3, होमोजाइगस एंड होमोजीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 69 नंबर, इन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन रैशनल जोन इज ऑलवेज, अगर क्लासिकल प्रोडक्शन फ्यूजन फंक्शन है तो उसमें रैशनल जोन जो है वो क्या होगा, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 2, सेकेंड जोन, जो रैशनल जोन होगा वो सेकेंड जोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, होल्स इन कोकोनट ट्री ट्रंक विथ प्रोट्रूडिंग च्यूड फाइबरस मटेरियल एंड ब्राउनिश ऊज इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम प्रोड्यूस इन विच पेस्ट, तो जो कोकोनट ट्री ट्रंक में जो होल्स आते हैं, छेद आते हैं, जहाँ पे जो है च्यूड फाइबरस मटेरियल वहाँ पे जो है प्रोट्रूड रहता है, मतलब निकला हुआ रहता है, वहाँ पे जो है एक ब्राउनिश ऊज भी यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, कौन से पेस्ट, अगर कोई भी प्लांट किसी किस ऑप्शन जो ऑप्शन है, कौन से पेस्ट का अटैक हुआ है जिसके वजह से जो है आपको कोकोनट ट्री ट्रंक में होल्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे च्यूड फाइबरस मटेरियल का प्रोट्रूड देखने को मिलेगा और ब्राउनिश ऊज होगा, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन 1, रेड पाम वीवल। तो जो रेड पाम वीवल अगर अटैक किया होता है कोकोनट ट्री में, तो क्या होता है वहाँ पे जो वहाँ पे ट्रंक में जाए, वहाँ पे टहनी में वहाँ पे आपको छेद देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे जो जो फाइबरस मटेरियल है वहाँ पे च्यूट तरह के सर रहेगा, चबाया हुआ जैसा दिखेगा, वहाँ पे वो निकला हुआ रहेगा, और प्लस वहाँ पे जो है ऊज का सिक्रीशन होगा ब्राउन कलर का जो कि दिखेगा वो लिक्विड, तो यहाँ पे रेड पाम वीवल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 72 नंबर, मॉइस्ट सॉइल विच आर रिलेटिवली डार्कर हैव लोअर डैश देन ड्रायर वंस, जो मॉइस्ट सॉइल होते हैं उसके पास रिलेटिवली डार्क, वो रिलेटिवली डार्क होता है, तो उसके पास क्या कम रहता है एज कम्पेयर टू ड्रायर सॉइल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एल्बिडो। तो जो मॉइस्ट सॉइल होता है वहाँ पे क्या होता है रिलेटिवली डार्कर रहता है, क्योंकि उसका जो एल्बिडो है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू ड्राई सॉइल, तो जो एल्बिडो है उसका क्या होता है, तो ये एक प्रपोर्शन है किसका, तो इंसिडेंट लाइट का है, रेडिएशन का, जो कि रिफ्लेक्ट होता है बाय द सर्फेस, कोई भी टिपिकली सर्फेस से जो अगर जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, एल्बिडो। या फिर ऐसा बोलते हैं जो सर्फेस यहाँ पे जो प्रोपोर्शन ऑफ द इंसिडेंट, यहाँ पे लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है, जो सनलाइट से लाइट आ रहा है मान लो, और यहाँ पे जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहा है इस सर्फेस से, ये अर्थ है मान लो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिडो। तो एल्बिडो वही क्या करता है, मेजर करता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को किसी भी सोलर रेडिएशन को, जो कि टोटल सोलर रेडिएशन में से आया है, और उसको फिर जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं स्केल से, जैसे कि हम 0 से जो है इसको स्टार्ट करते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रेंज होता है डिफरेंट बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 73 नंबर, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ वीट क्रॉप इज, तो जो क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन ऑफ वीट क्रॉप तो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो CRI स्टेज जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या फिर क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ये जो है क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन का वीट क्रॉप में, जो वीट क्रॉप है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो ये साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एशिया या फिर अफगानिस्तान में इसका ओरिजिन हुआ है, इसका बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, या फिर ट्रिटिकम स्पीशीज बोलते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ट्रिटिकम एस्टिवम जिसको बोलते हैं ब्रेड वीट, और ये जो है फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है, जो वीट होता है इसका क्रोमोजोम नंबर होता है 2n=42, जो कि हेक्साप्लॉयड है, और बेसिक जो इसका जो हेक्साप्लॉयड है इसमें 2 रहता है, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वल्गरी, वेरियस वेरियस प्लॉयडी के वेरियस आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगे वीट के, जैसे कि हेक्साप्लॉयड में ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम बल्गेरी, टेट्राप्लॉयड में ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, डिप्लॉयड में ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 74 नंबर, द वर्ड एग्रोनॉमी इज डराइव फ्रॉम, जो एग्रोनॉमी वर्ड है ये कहाँ से डराइव हुआ है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 3, ग्रीक वर्ड, जो एग्रोनॉमी टर्म है ये ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है, एग्रोस मतलब फील्ड, नोमोस मीन्स मैनेज, तो ये दोनों जो वर्ड है एग्रोनॉमी का, एग्रोस और नोमोस, ये ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है। तो जो एग्रोनॉमी एक तरह का क्या है, ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस का, जो कि डील करता है मेथड्स के साथ जो कि फेवरेबल इन्वायरमेंट रहता है क्रॉप के लिए, और उसके वजह से हम लोग जो हायर प्रोडक्टिविटी रहता है, ये जो यहाँ पे एग्रोनॉमी उसी से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर नर्सरी रेजिंग ऑफ खारिफ अनियन इज, जो मोस्ट सुटेबल टाइम रहता है नर्सरी रेजिंग के लिए खारिफ अनियन के लिए वो क्या रहता है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन 3, मई जून। तो जो सुटेबल टाइम रहता है जहाँ पे हम लोग नर्सरी रेज करते हैं खारिफ अनियन का, वो क्या टाइम रहता है, मई जून। जो अनियन है ये इसका ओरिजिन हुआ है सेंट्रल एशिया में, इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा, और ये फैमिली एलियसी से बिलोंग करता है, इसका क्रोमोजोम नंबर याद रख लीजिए 2n=16, और ये ध्यान रखना है कि जो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड रहता है वो क्यों रहता है अनियन में, तो प्रोटैंड्री की वजह से, और ये एक तरह का क्या है, कैम प्लांट है, और ये मोनोपॉड प्लांट है,
अच्छा ये बताइए कि अनियन में इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जहाँ पे अम्बल इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो अनियन है यहाँ पे एक एरोमा देखने को मिलता है, किस लिए? एक पंजेंसी देखने को मिलती है, किस लिए? तो अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 76 नंबर, द एसेंशियलिटी फॉर आयरन इन प्लांट्स डिस्कवर्ड बाई, जो एसेंशियलिटी रहती है आयरन की वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ई गिरिस इन 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 77 नंबर, फ्लोर गेव द कंसेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाइल वर्किंग ऑन, तो जो साइंटिस्ट फ्लोर थे, जिनको बोलते हैं हेरोल्ड हेनरी फ्लोर या फिर एच एच फ्लोर, ये जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसका? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस का। तो ये किस पे काम कर रहे थे जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लिंसेड, या फिर इसको हम लोग फ्लैक्स भी बोलते हैं। जब ये लिंसेड पे काम कर रहे थे तभी जो एच एच फ्लोर साइंटिस्ट, इन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस को जो है डिस्कवर किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस होता क्या है, तो ये स्टेट करता है कि कोई भी जीन कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस जो रहता है होस्ट प्लांट में, वहाँ पे क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक जीन कंट्रोलिंग एविरुलेंस देखने को मिलता है पैथोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 नंबर, CIMMYT मैक्सिको मेंटेन्स अ जर्म प्लाज्मा, तो CIMMYT इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आ जाए इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, जो ये है CIMMYT, ये जो है यहाँ पे किसका किसका जर्म प्लाज मेंटेन करता है? तो यहाँ पे मेज, वीट, ट्रिटी के लिए तीनों का जो है यहाँ पे जर्म प्लाज मेंटेन होता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79 नंबर, इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर रेनी क्लाउड्स आर फॉर्म, तो कौन से एटमॉस्फेयर के पार्ट में, मतलब कौन से एटमॉस्फेयर में जो है रेनी क्लाउड फॉर्म होता है, कहाँ पे जो है रेनी क्लाउड बनता है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन 2, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है यहाँ पे ये एक ऐसा लेयर है जहाँ पे सेल्फिड्स रहते हैं, और यहाँ पे जो रीजन रहता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट देखने को मिलता है, और यहीं पे जो है क्लाउड फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एक ऐसा लेयर है जहाँ पे बहुत सारे वेदर फेनोमेन होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में जो कि बायोस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद जो ट्रोपोस्फेयर है ये 0 से 12 किलोमीटर रेंज यहाँ पे रहता है, और ये 75% ऑफ द गैस जो है ये कंटेन करता है एटमोसफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, मतलब इसको KVK भी बोलते हैं, ये फर्स्ट कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, कौन सी ईयर में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1974। तो KVK जो है हमारा 1974 में फॉर्म हुआ था सबसे पहले, कहाँ पे? पौंडीचेरी में। किसके अंदर? तो TNU कॉम्बेटोर के अंदर जो है यहाँ पे ये बना था पौंडीचेरी में, जो फर्स्ट KVK यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 81 नंबर, सीवेरिटी ऑफ क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स कैन बी रिड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ, जो क्लब रूट जो प्रेजेंट रहता है, जो क्लब रूट डिजीज है क्रूसीफर्स में जो कि मिलता है, तो ये हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, किसके एप्लीकेशन से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लाइम। अगर हम लोग लाइम को अगर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो क्लब रूट जो जो क्लब रूट होता है क्रूसीफर्स में वो कम हो जाता है। क्लब रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिंगर एंड टो डिजीज भी बोलते हैं, ये मेनली प्लास्मिडोफोरा ब्रासिकी से जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, मतलब ट्राउजर ऑर्गेन्स क्या है, तो प्लास्मोडिफोरा ब्रासिकी है, यहाँ पे जो ये फॉर्म होता है क्लब शेप रूट जो यहाँ पे ये फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 नंबर, द कॉम्प्रेशन रेशियो ऑफ द डीजल इंजन आर इन द ऑर्डर ऑफ, जो कॉम्प्रेशन रेशियो होता है डीजल इंजन में इसका क्या रहता है रेंज? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन 3, 14:20:1, तो मेनली यहाँ पे जो है ये रहता है 14:20:1 जो यहाँ पे वैरी करता है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल होगा तो 14:20:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 83 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टेक्सचर क्लास एज पर ट्राइंगुलर टेक्सचर डायग्राम इज हैविंग हाई सैंड कंटेंट, तो कौन से जो मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम लोग कोई भी जो सॉइल टेक्सचर क्लास है इसके अकॉर्डिंग, तो ट्राइंगुलर टेक्सचर डायग्राम की अकॉर्डिंग जो है सबसे ज्यादा सैंड कंटेंट कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लोमी सैंड। लोमी सैंड में जो है सबसे ज्यादा हायर सैंड कंटेंट देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर टेक्सचर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 84 नंबर, विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, तो कौन सा एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है ये ICR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लैब टू लैंड प्रोग्राम। तो जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया इंडिया कब, तो ICR गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेशन हुआ था इन जुलाई 1979 में, तो वहाँ पे जो है इसका लॉन्च हुआ था लैब टू लैंड प्रोग्राम। द मेन ऑब्जेक्टिव है लैब टू लैंड प्रोग्राम का ये है कि जो ट्रांसफर हम लोग करें कोई भी प्रूव या वायबल लो कॉस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो हुआ है उसको हम लोग को ट्रांसफर करना है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास, या फिर जो लैंडलेस लेबर है, या फिर जो उनके पास जो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे इस लो कॉस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को, सो दैट कि वो अपना इम्प्रूव कर सके ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 85 नंबर, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉमनली प्रैक्टिस, तो कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में जहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेनली प्रैक्टिस किया जाता था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, अरुणाचल प्रदेश। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, तो इसी हम लोग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे एक ऐसा फार्मिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे लैंड है यहाँ पे, इसको क्लियर कर दिए और यहाँ पे ट्री सबको काट दिए, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको बर्न कर देते थे, और उसके बाद इस जो ऐश प्रेजेंट रहता था वो जो है मिक्स होता था सॉइल में, और वहाँ पे फिर हम लोग क्या करते थे, क्रॉप्स को यहाँ पे फिर ग्रोन करते थे। और जब यहाँ पे जो लैंड यहाँ पे फर्टिलिटी लॉस होता था, तो फिर इसको क्या करते थे फार्मर्स यहाँ पे अबेंडन करके फिर दूसरे प्लॉट में आते थे, फिर वहाँ पे अगेन जो ट्रीज थे वहाँ पे इसको जला देते थे, कट डाउन करके जला देते थे, फिर वहाँ पे क्रॉप्स को उगाते थे। और अभी जो है यहाँ पे जो लैंड ड्यूरेशन, मतलब जो लैंड जैसे जिस प्लॉट में कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि काफी दिन के बाद वहाँ पे फिर से क्रॉप को उगाते थे, बट अभी क्या है कि जो ड्यूरेशन है उस प्लॉट को यूज करने का वो कम हो गया है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा जो है डिसर्टिफिकेशन प्रोसेस मतलब देखने को मिल रहा है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट का ही लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, सुटेबल स्टोरेज टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिस्पेक्टिव फॉर अनियन क्रॉप इज, तो स्टोरेज टेम्परेचर जो सुटेबल है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए अगर अनियन क्रॉप के लिए, तो आंसर जाएगा ऑप्शन वन, 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड 65 to 70%। तो जो अनियन क्रॉप है अगर हम लोग उसको स्टोर करना है, तो उसका टेम्परेचर एटलीस्ट 0.0 से 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 65 to 70% जो है यहाँ पे वैरी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ प्योर लैंड वेरायटी कैन बी मेंटेन बाई, तो जो जेनेटिक प्योरिटी है प्योर लैंड वेरायटी का, उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन टू, मास सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजनर्स फॉर्मूला फॉर डायमीटर इंक्रीमेंट इज वेयर डी इज डायमीटर आफ्टर एन ईयर्स एंड डी इज इनिशियल डायमीटर, तो जो यहाँ पे प्रेजनर्स फॉर्मूला पूछा है कोई भी डायमीटर इंक्रीमेंट के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI ICR इज लोकेटेड एट, जो सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ लोकेटेड है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन टू, अविका नगर। तो अविका नगर कहाँ है, राजस्थान में जो है यहाँ पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, द मेन कम्बशन कंपोनेंट्स ऑफ द बायोगैस आर, जो मेन कम्बशन कंपोनेंट्स होते हैं बायोगैस में वो क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर, मिथेन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 91 नंबर, डैश इज अ रिलेटिव लैंड एरिया अंडर सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यील्ड अचीव इन इंटरक्रॉपिंग, तो ये क्या कह रहा है कि क्या है जो रिलेटिव लैंड एरिया है जहाँ पे सोल क्रॉप्स को हम लोग जो है यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, अंडर सोल क्रॉप जो है रिलेटिव लैंड एरिया है जो कि रिक्वायर होता है कि हम लोग यहाँ पे यील्ड प्रोड्यूस कर सकें इन इंटरक्रॉपिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 92 नंबर, वाटर मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय कैस्पियन स्ट्रिप व्हिच आर प्रेजेंट इन, तो जो वाटर मूवमेंट है एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू जो होता है वो यहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप में जो है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो ये कहाँ पे जो कहाँ प्रेजेंट रहता है कैस्पियन स्ट्रिप, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, इंडोडर्मिस। तो जो एपोप्लास्टिक पाथवे यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स में जो है एपोप्लास्ट जो है ये स्पेस होता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे जो है मटेरियल जो यहाँ पे डिफ्यूज होता है फ्रीली, और ये इंटरप्ट होता है बाय द कैस्पेरियन स्ट्राइप जो कि यहाँ पे क्या होता है एयर स्पेस जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड बाय द प्लांट क्यूटिकल, तो ये कैस्पियन स्ट्राइप कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इंडोडर्मिस में। तो ध्यान रखना है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द रूट हेयर टू जाइलम बाय द सेल वॉल ऑफ द इंटरवेनिंग सेल, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पाथवे ये अकर होता है कॉर्टेक्स में एंड ये जो है मेनली स्टॉप हो जाता है ये प्रोसेस कहाँ पे, जब ये एक बार जो इंडोडर्मिस रीजन में रीच कर जाता है एपोप्लास्टिक पाथवे, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे प्रोसेस रुक जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि इसके पास जो है इम्परमेबल मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्पियन स्ट्राइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 93 नंबर, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डैश सॉइल सर्वे आर टू हैव अ ब्रॉड आइडिया अबाउट द मेजर सॉइल ग्रुप, तो जो ऑब्जेक्टिव रहता है किसका, रिकॉनेंस का, यहाँ पे जो सॉइल सर्वे है ये जो है ब्रॉड आइडिया देता है अबाउट द मेजर सॉइल ग्रुप, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, रिकॉनेंसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, विच वन इज अ बर्ड एंड लीफ नेमेटोड, कौन सा जो है बर्ड एंड लीफ नेमेटोड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, एफेलेंचॉइड्स, ये क्या है बर्ड एंड लीफ नेमेटोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 95 नंबर, द अल्कलिनिटी इन द अल्कली सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द सॉइल सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो अल्कलिनिटी प्रेजेंट रहता है अल्कली सॉइल में वो डिपेंड करता है रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो किसका रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, Na2CO3 एंड NaHCO3 यहाँ पे जो है, और जो पार्शियल प्रेशर रहता है CO2 इन द सॉइल सोल्यूशन, तो जो अल्कलाइन नेचर होता है ये मेनली क्या सोडियम की वजह से होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दोनों यहाँ पे जो कंपाउंड है यहाँ पे दोनों में स्टार्टिंग में सोडियम यूज हो रहा है, और यहाँ पे कैल्शियम को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रॉन्ग कर दे रहे थे, यहाँ पे क्या होगा Na2CO3 एंड NaHCO3 यहाँ पे मेनली
जो है यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो हम अल्कलिनिटी जो है अल्कलाइन सॉइल का यहाँ पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 96 नंबर, वाटर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर इज, तो ऐसा स्पोर का जो डिस्पर्सल है विद द हेल्प ऑफ वाटर उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोपोरी। आंसर जाएगा ऑप्शन 3, हाइड्रोपोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, स्वर्णा सब वन इज अ फेमस वैरायटी ऑफ, जो स्वर्णा सब वन है वो किसका फेमस वैरायटी है, तो ये जो है राइस का जो है ये फेमस वैरायटी है, तो जो स्वर्णा सब वन है ये किसका वैरायटी फेमस वैरायटी है, तो राइस का। राइस का ओरिजिन कहाँ हुआ है, इंडो एंड बर्मा रीजन या फिर साउथ ईस्टर्न एशिया में। इसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये जीनस ओराइजा है, इसके पास 24 स्पीशीज है। जो दो स्पीशीज जो है कल्टीवेबल है कौन सा है, ओराइजा सटाइवा जो कि इंडिया में होता है और ओराइजा ग्लैबियोमा जो कि वेस्ट अफ्रीका में ग्रो होता है। तो जो इंडिया में ग्रो होता है वो कौन सा होता है, तो ओराइजा सटाइवा इंडिका जो है मेनली ग्रो करते हैं इंडिया में, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल राइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फैग्लोथिका रेलिनिया काउज जो करता है डिजीज इन सॉर्गम वो क्या है, तो यहाँ पे जो मेनली कह रहा है कि जो स्फैग्लोथिका रेलिना है ये क्या है, काउजल ऑर्गेनिज्म है कौन से डिजीज का, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 2, हेड स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, फरो ओपनर्स यूज इन जीरो टेल सीड ड्रिल्स आर, जो फरो ओपनर जो यूज होता है जीरो टेल सीड ड्रिल्स में वो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इन्वर्टेड टी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, जो कि आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, बेर वेराइटी थार सेविका डेवलप फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ, तो जो बेर वेराइटी थार सेविका इसको जो डेवलप किया है कि किससे किससे क्रॉसिंग से डेवलप किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सेव एंड कांथा को क्रॉस करके हमने थार सेविका को जो है डेवलप किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम पूछे गए थे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर हमारा कोर्स लें, हमारा कोर्स जो है अफोर्डेबल प्राइस में जो अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एग्रीकल्चर जीके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कोई भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई भी कोर्स का डिटेल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही अगर नोटिफिकेशन के लिए आप उस बेल आइकन को हिट करें, और अगर आप इस वीडियो को पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा, हमने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए लिंक के थ्रू और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।